वातावरण में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है धुआं। शहरों में बसों, कार, ट्रक, रिक्शा, स्कूटर और अनेक स्वचालित वाहनों के साथ साथ घरों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का अनुपात बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बेंजीन नामक कार्बन द्रव्य भी पर्यावरण में बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंतादायक है। इस द्रव्य के कारण कैंसर जैसे भयावह रोग होने की संभावना बढ़ रही है। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये नाक से होते हुए सांस की नली में पहुंच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़े की बीमारी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। इस तरह वायु प्रदूषण के परिणाम मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जरूरत इसे कम करने की है। शहरों में वाहनों का धुआं वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। इससे निजात पाने के लिए हमें विद्युत और बायोगैस चलित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा आसपास के छोटे मोटे कामों के लिए वाहनों पर निर्भर रहने के बजाय यदि हम पैदल या साइकिल का प्रयोग करते हैं तो एक तरफ जहां वायु प्रदूषण के फैलाव में कमी होगी, वहीं दूसरी ओर इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसी के साथ ही वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में औद्योगिक इकाइयों को अहम भूमिका निभानी होगी और कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों का सख्ती से पालन करना होगा। लोगों को भी जागरूक तथा सजग होकर निजी वाहन के प्रयोग के स्थान पर पब्लिक यातायात को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी हो सके। इन सब के बावजूद यदि प्रदूषित वातावरण में कार्य करना आवश्यक हो तो बचाव के साधन जैसे एयर फिल्टर एवं मास्क का प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी को मिलजुल कर इसे कम करने के प्रयास करने होंगे, तभी हम अपना आज और आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे।